अभी हम एयरपोर्ट के पास आ गए हैं और अभी अंदर नहीं जा रहे क्योंकि हम टाइम से पहले आ गए। यहाँ पे बैठ के हम तरबूज खा रहे हैं। पूजा एक्सप्लेन कर रही है कि हैदराबाद का एयरपोर्ट क्यों अच्छा है। बता पूजा। क्योंकि वहाँ पे 50-60 किलोमीटर तो ऐसे ही इतना सुंदर रास्ता है, ये वाला रास्ता तो कुछ नहीं है उसके आगे, कुछ भी नहीं है। तो अभी हम रास्ते पर चल रहे हैं जो एयरपोर्ट से पहले आता है, एक लंबा सा रास्ता उस पर। अभी मैं खड़ा हूँ टर्मिनल 3 के सामने, यहाँ पर मेरा सामान निकाला जा रहा है जाने के लिए। यहाँ पर शायद ज़्यादा देर तो रुक नहीं सकते। ये मेरा है माँ, ये फोटो पूजा अब फोटो खींचेगी हम सब की। हाँ मास्क लेकर खाया मैंने। अब आगे के पूरे रास्ते मुझे टोपी पहन के जाना पड़ेगा ना माँ। तो अभी 10 मिनट में यहीं पे रुक रहा हूँ बाहर टर्मिनल 3 से बाहर। क्या तो अभी मम्मी को बाय बोलते हैं। मम्मी बाय, मैं जा रहा हूँ ठीक है। वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ भी। अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे मनी एक्सचेंज का है और अभी क्या करना है, सामान जमा करवाना है। बाहर जो मेन गेट है वहाँ पे आधार कार्ड चेक किए करते हैं और बोर्डिंग पास, दो चीज़ें चेक की। चेक इन आप अंदर आके भी कर सकते हो, बाहर टिकट दिखा दो। अभी सामान जो लगेज जो जमा करना होता है वो मैं पहली बार कर रहा हूँ। और आज पता है एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा ही बिजी है, तो इतने बिजी एयरपोर्ट में ब्लॉगिंग करने का मज़ा ही अलग है। अब क्योंकि ये टाइम था तो मैंने बोर्डिंग पास भी प्रिंट करवा लिया और जो ये बैग वाला टैग है ये भी ले लिया। अब मेरे को नहीं पता जमा कैसे कराने, मेरे को आगे एयर एशिया लिखा हुआ दिख रहा है, मैं और सब वहाँ बैग लेके जा रहे हैं तो शायद वहीं पे जमा करवाना होगा, देखता हूँ आगे क्या होता है। अभी जो बैग था वो दे दिया है और उन्होंने कोई ऐसे स्लिप वगैरह नहीं दी जिससे वापस ले सकूँ। और अभी मेरा गेट नंबर 54 है शायद, तो पीछे लिखा हुआ है 27 से 62 साइड है, तो पहले सिक्योरिटी चेक करा के फिर उस साइड हम चलते हैं आगे। तो मैं आपको सिक्योरिटी चेक के बाद ही मिलता हूँ। सिक्योरिटी चेक में ज़्यादा भीड़ नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत भीड़ है। अभी सिक्योरिटी चेक भी हो गया है और अभी मेरा है गेट नंबर 54, तो 27 से 62 साइड है, उस साइड चलते हैं आगे। यहाँ पर पीछे इतनी सारी दुकानें हैं, समझ नहीं आ रहा मैं मार्केट आया हूँ या फिर एयरपोर्ट, क्योंकि इतनी आप देखो गेट सीधे भी रख सकते थे लेकिन इतनी सारी दुकानें। क्षमा चाहती हूँ, I-5 1-5 दोनों दिल्ली से बेंगलुरु जा रही है। इस विमान की कप्तान आशीष है, सह कप्तान तहेर और कैबिन में हमारे साथ चैंपियन निश्मिता इम्पांग और मैं अनु। इस विमान में आपकी मुख्य कर्मदल हूँ। ये उड़ान 2 घंटे 33 मिनट में पूरी की जाएगी। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन, अपने बड़े सामान को भी सामान कक्ष में रखे और अपने छोटे सामान जैसे की लैपटॉप बैग और हैंड बैग को सामने वाली कुर्सी के नीचे रखे। ऊपरी सामान कक्ष को खोलते समय सावधानी बरतें, ट्री टेबल को बंद कर ले, विंडो शेल्स को खुले रखे, सभी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद कर लिए, फ्लाइट मोड में रखे। सभी अंतरदेशीय उड़ानों में
मदिरा का सेवन करना और दूर करेंगे। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और क्योंकि इस विमान के फर्श पर लगी फ्लोरोसेंट मार्क आपको निकटतम प्लॉट तक पहुंचने में मदद करेंगी। सुरक्षा निर्देश पत्र आपके सीट पॉकेट में रखा है, इसे ध्यान से पढ़ ले। जो अतिथि ओवरिंग द्वारों पर बैठे हैं उनसे निवेदन है कि वे द्वारों की विधि को कृपया अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहे और अब आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। सामान कक्ष को खोलते समय सावधानी बरते, विमान से निकलते वक्त अपना सारा सामान जांच ले। आपके साथ यात्रा करके हमें खुशी हुई और हम दोबारा आपके साथ यात्रा करने की कामना करते हैं। Oh, you wasting time declining all your FaceTime calls. Cause you're not my vibe, oh God, just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. अभी मैं बेंगलोर एयरपोर्ट आ गया हूँ और पीछे जो 5 नंबर बैठा है वहाँ से बैगेज कलेक्ट किया है और अब यहाँ से कॉलेज जाना है थोड़ी देर बाद। अभी जो सामान है वो कलेक्ट कर लिया है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम वो था और इसमें क्या है ना, उनको चेक करना चाहिए कि कौन कौन सा किसका है, वो उन्होंने किया नहीं है। तो वो थोड़ी मेरे को लगा कोई किसका सामान ले जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट कौन लेके जाएगा। अभी मैं रूम पे वापस आ गया हूँ। रूम की हालत, तो रूममेट मैं एक बार पहले व्लॉग में दिखाया, आप जाके देख लेना वो व्लॉग कैसी रखता है रूममेट रूम की हालात, तो वो तो आपको पता ही, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। अभी तो वो साइड में ही गया है अभी, लेकिन जो पूरा फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा खाली है। तो अगर आज यूनिफॉर्म से रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो बताने की आज लास्ट डेट है, तो मैं अपनी यूनिफॉर्म लेके जा रहा हूँ। मैं पहली बार जा रहा हूँ, ठीक है। बाजू लंबी करवानी है मेरे को, वो पता नहीं होंगी या नहीं। और उसके बाद फिज़िक्स लैब जाना है क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। आज लैब खुली है फिजिक्स की भी। यूनिफॉर्म वाला रूम बंद है, यानी कल होगा, फिर कल करवाऊंगा जो भी ठीक करवाना है। अभी फिजिक्स लैब जाना हूँ।